Hey guys. Hello everyone, welcome back to the channel. So guys, आज हम लोग थलापथी विजय सर का एक नया सॉन्ग है जिस सॉन्ग का नाम है क्विट पन्नूडा. तो ये भी मास्टर मूवी का सॉन्ग है. और इससे पहले हम लोग ने मास्टर मूवी का क्या क्या सॉन्ग किया है? इससे पहले हम लोग मास्टर मूवी का दिस इज माई कुट्टी स्टोरी के ऊपर किया है. उसके बाद और एक वाटी कमी में किया है. कुट्टी स्टोरी मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद आया क्योंकि बहुत ही इंस्पिरेशन वाला सॉन्ग था, बहुत ही मोटिवेशन वाला सॉन्ग था. एंड मास्टर मूवी का बहुत ही मतलब कि अभी तक हम लोग ने ट्रेलर या फिर टीजर शायद हमें मिला नहीं है. वेट कर लेकिन सॉन्ग्स आ रहे हैं, सॉन्ग्स बहुत ही मजेदार हो रहे हैं और ज्यादातर लिरिकली है. मतलब ऐसा कोई नहीं कि एकदम वीडियो सॉन्ग फुल हो. हाँ, कुछ नहीं है, सॉन्ग ज्यादा है. एंड देखते हैं, एक्सपेक्टेड है ये भी सॉन्ग बहुत ही अच्छा होगा. सो देखते हैं. सो गाइस, इस मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया उनका नाम है लोकेश कनगराज. इस मूवी को जिन्होंने म्यूजिक दिया उनका नाम है अनिरुद्ध रविचंद्र सर. सो गाइस, ये मास्टर मूवी जो है ये एक तमिल लैंग्वेज मूवी है और ये मूवी एक्शन थ्रिलर होने वाला है. तो ऐसा न्यूज भी आया है कि ये मूवी अभी पोंगल में रिलीज होगा 2021 में. मतलब जनवरी तक तो शायद, जनवरी या फरवरी तक तो शायद टीजर या ट्रेलर तो आ जाना चाहिए. बहुत ऐसा ना, ऐसा बहुत कुछ है. ये लॉकडाउन के वजह से ऐसे बहुत सारे फिल्म्स रुके हुए हैं, बहुत सारे फिल्म्स का काम रुका हुआ है. बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत एक्साइटेड भी हो रहे हैं देखने के लिए. कोई नहीं, लेकिन आप लोग के साथ हम लोग, आप लोग की हेल्प से हम लोग बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पे रिएक्ट कर पा रहे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है. क्योंकि ऐसा है ना कि सब कुछ रुक गया है. अभी एक्सपेक्ट मतलब विश करें कि स्टार्ट हुआ है. विश करते हैं जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, ये जो भी पैंडेमिक है खत्म हो जाए, सब नॉर्मल अपने काम पे जाए ताकि हम लोग भी बहुत मजे कर सके. अभी सुना गया है शूट मतलब जो भी थिएटर से खुल रहा है लेकिन बहुत ही मतलब प्रिकॉशन के साथ वो लोग फिल्म दिखाएंगे तो बैक टू नॉर्मल होने से बहुत अच्छा है. टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा. सो गाइस, अभी ज्यादा नहीं करते हुए इस सॉन्ग पे रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, ज्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं. क्या इसमें लिरिक्स दिया गया है? ललित कुमार प्रेजेंट्स शायद. अनिरुद्ध डायरेक्टर दोनों है. ये भी मतलब एनिमेशन टाइप ऑफ वीडियो होने वाला है. क्या अच्छा है ना लिरिक्स म्यूजिक के साथ. वाइन को लेके, ड्रिंक्स को लेके, आई थिंक ड्रिंक्स क्विट कर दो. ऐसा ही कुछ है. पन्नूडा मतलब क्या है? ड्रिंक्स शायद होगा, पता नहीं क्योंकि दिखा रहा है यहाँ पे. अच्छा केस किया तुमने. अरे कोविड के लिए मास्क ही पहना है. तबीयत खराब कर रहा है, पी रहा है. एडिटिंग बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा.
ये फुल्ली अगर एक वीडियोग्राफी वाला तो वीडियो वाला होता तो अच्छा होता। हाँ, लेकिन फिर भी इतना खींच रहा है ना, हम लोग देख रहे हैं बहुत, मतलब किया है काम एडिटिंग में, क्योंकि देखो ज्यादा कुछ मतलब दिया नहीं है लेकिन एडिटिंग की वजह से अच्छा दिख रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसा वीडियो कब आएगा जब हम लोग देख सकेंगे थालापथी विजय सर को ना पूरा। म्यूजिक बहुत अच्छा है ये, मुझे लगता है ये मूवी का पूरा गाना के एल्बम ही पूरा फेमस होने वाला है। मैं भी हाँ सच में बहुत एक पूरा हिट होने वाला है। मास्टर वाओ। सो गाइस, हम लोगों ने पूरा गाना सुना अभी और गाना का जो लिरिक्स था बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वैसे समझ में नहीं आया लेकिन जो म्यूजिक था, जो मतलब लिरिक्स बोला जा रहा था, बहुत जैसे बोलते हो बहुत, गाने का जो लिरिक्स था बहुत अच्छा लेकिन हमें समझ में नहीं आया, मतलब तो पहले बोलते हो एज इन द सेंस की मतलब हम लोग कैसा लगा इन द फील, फील में कैसा लगा फील? पहले तुम जैसे बोलते हो मैं पूरा गाना तो विंडो से भी हम लोग को समझ में नहीं आया, मुझे मतलब गाने का लिरिक्स समझ में नहीं आया, बाकी गाना बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा होता है ना, कोई समझ में नहीं आने से म्यूजिक अच्छा होने से अच्छा लग जाता है, तो और लिरिक्स भी कुछ अच्छा ही था क्योंकि समझ में हल्का हल्का आ रहा था, गाना के साथ जा रहा था। इतना तो हम लोग अभी करते करते इतना तो हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि हम थोड़ा बहुत समझते, लेकिन पन्नूडा का मीनिंग हम लोग बहुत ढूंढने का कोशिश किया है। क्विट तो क्विट ही है, जो इंग्लिश में क्विट है वही क्विट है शायद, और पन्नूडा का मतलब क्या है समझ में नहीं आया, क्वेश्चन किया मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है हमें इतना, जैसे इसने गेस किया कि शायद क्विट अल्कोहल शायद ये बोला गया है, एंड इस मूवी को मतलब इस सॉन्ग को शायद वो श्योर नहीं है, आप हमें जरूर बताना क्यों नहीं। तो इस सॉन्ग को जिन्होंने लिरिक्स दिया था उनका नाम था विग्नेश शिवन, तो विग्नेश शिवन सर का शायद हम लोग ने ये फर्स्ट कोई रिएक्शन किया है, एंड लिरिक्स बहुत ही मतलब जबरदस्त लिरिक्स, और जो सॉन्ग जिन्होंने गाया उनका नाम है अनिरुद्ध रविचंद्र, मतलब शायद जिनको हमने देखा है शायद उन्होंने ही गाया है। बस मुझे इस पूरा सॉन्ग में बस एक ही चीज मुझे मतलब जो अच्छा नहीं लगा वो था बीजीएम, बहुत अच्छा था लेकिन बहुत लाउड था मुझे, मतलब क्या बोलो तो मुझे मतलब बीजीएम गाने मतलब रॉक टाइप का म्यूजिक था, हाँ गाने के ऊपर बीजीएम थोड़ा भारी पड़ रहा था क्योंकि बहुत सॉन्ग बहुत अच्छा था, स्मूथ जा रहा था लेकिन जो म्यूजिक था ना बहुत तेज था, लाउड था, थोड़ा वो और थोड़ा कम कर देते शायद हम लोग थोड़ा और लिरिक्स में या और लिरिकल में ध्यान सॉफ्ट म्यूजिक होना चाहिए, हाँ दे पाते, बस मुझे इतना ही लगा। गाइस ये गाना मुझे तो अच्छा लगा, इसको भी अच्छा लगा, तो मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा लिरिकल वीडियो इसलिए निकाल रहे क्योंकि थोड़ा हाइप बना रहे, किंतु मुझे ये लगता है कि अभी थोड़ा वीडियोस भी आना चाहिए, वरना क्योंकि अभी तो ये दिसंबर तो आ ही गया है और पोंगल तक शायद रिलीज हो जाएगा, वेट कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी तो हम लोग ऐसा देखे विजय सर का थोड़ा सा मतलब हम लोग सिर्फ वो सिर्फ पिक्चर ही देख रहे, सिर्फ फ्रीज में मतलब जो पिक्चर लिया गया उसी को ऐसे दिखा और भी एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, लेकिन अगर एक वीडियो ऐसा आ जाएगा जिसमें उसका थोड़ा सा सीन दिखा गया तो बहुत मजा आ जाएगा, लेकिन ये तीनों गाना एकदम सुपर हिट था, हमें तो बहुत मजा आया सच में, बहुत डिफरेंट के ऊपर गाना था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन में जाए। हाँ गाइस, ढेर सारे कमेंट कीजिए, ढेर सारे शेयर कीजिए, और आपने अगर अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द जाइए वहां पर फॉलो कीजिए, क्योंकि जो भी ब्लॉग्स वीडियो है हम लोग वहां पर जरूर डालते हैं। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।